Namaskar. Over to Ira. Echo kar rahi hai sound. Please. Namaskar, main Ira aur main Jaipur se hoon aur kaam ke silsile mein ab Mumbai chali gayi hoon lekin bahut acha lag raha hai ki mere shehar ke log yahan pe aaye hain aur unke beech apni poetry padhna, kavitaon ke bare mein baat karna bahut ek khoobsurat anubhav hai. तो आप सभी सुनने वालों को मैं दो लाइन कहना चाहूँगी कि तुम ना आते तो मलाल रह जाता, तुम ना आते तो मलाल रह जाता, दिल में टूटा हुआ ख्याल रह जाता. तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब आए हैं और सुनेंगे और कविता को प्यार करते हैं, इसीलिए कविता ज़िंदा है. तो मुझे लगता है कविता की शुरुआत जो होती है प्यार से होती है. तो हर ख्याल के सो जाने के बाद भी जो जगा रहे, हर ख्याल के सो जाने के बाद भी जो जगा रहे, वो ख्याल इश्क है, प्यार है. और वही प्यार, वही इश्क हर सृजन को जन्म देता है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, पेंटिंग हो, फिल्म हो, पोएट्री हो. तो इस पर बात करेंगे और अपनी कविताएं को सुनाएंगे. तो अभी पहले मैं रैनी सिंह को देती हूँ माइक कि वो अपना इंट्रो करें. थैंक यू. नमस्कार. इस डर से कहीं लौट ना आए निकल पन्नों से वापस ज़िंदगी में, इस डर से कहीं लौट ना आए निकल पन्नों से वापस ज़िंदगी में, मैं अपनी हर दर्द भरी कविता जला देती हूँ. तो कुछ खूबसूरत प्यार भरी कविताओं को मैं सुनाऊंगी आप लोगों को. छोटी छोटी कविताएं हैं जो एक संदेश के फॉर्मेट में हैं, एक मैसेज है एक लड़की का अपने प्रिय को, जो कि रिश्तों के ताने बाने की पड़ताल करती है और प्यार को, रिश्तों को, रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखती है. मैं और हम, मैं और हम वज़न एक है, मैं और हम वज़न एक है, पर अंतर मीलों का है मेरे प्रिय. अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ. प्रेम जो अनुशासित हो, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय. कहीं कोई रिश्ता चटकता है तो वजह होता है एक खालीपन, कहीं कोई रिश्ता चटकता है तो वजह होता है एक खालीपन. दोषी एक भी हो सकता है और दोनों भी, दोषी एक भी हो सकता है और दोनों भी. ये खालीपन ना भरने देना, ये खालीपन ना भरने देना इस रिश्ते में मेरे प्रिय. एक शेर सुनाऊंगी. बास दफ़े उसके दरवाजे को छू कर गुजरे, कई बार, बास दफ़े उसके दरवाज़े को छू कर गुज़रे, दूरी भी रखनी थी, दूरी भी रखनी थी और ज़िंदा भी रहना था. शुक्रिया. कई बार जीवन से हम लोग निराश हो जाते हैं और लगता है कि कुछ नहीं बचा करने को, और उस परेशानी को ओढ़कर जब हम रात में सोते हैं तो हमारी नींद भी उड़ जाती है और लगता है पता नहीं कल क्या होगा. तो उसके लिए एक छोटी सी कविता है कि सुबह नए बहाने उग आएंगे, सुबह नए बहाने उग आएंगे, जैसे ताज़ी मिट्टी में दबे गेहूं से फूटते हैं अंकुर, जैसे ताज़ी मिट्टी में दबे गेहूं से फूटते हैं अंकुर, जैसे सूखे पड़े ठूठ से सावन आते ही फूटने लगती हैं कोपलें, जैसे सूखे पड़े ठूठ से सावन आते ही फूटने लगती हैं कोपलें, जैसे बरसात में उगाते हैं मशरूम, जैसे बरसात में उगाते हैं मशरूम, जैसे दरार में थोड़ी सी नमी पाते ही, जैसे दरार में थोड़ी सी नमी पाते ही उग आता है पीपल. सांस चलने तक उम्मीद नहीं बुझनी चाहिए.
सांस चलने तक उम्मीद नहीं बुझनी चाहिए। धन्यवाद। वक्त का बता दीजिएगा, वक्त का बता देना है ना। मैं एक नस्म सुनाती हूँ। धीमा है जहर चढ़ेगा धीरे धीरे, धीमा है जहर चढ़ेगा धीरे धीरे, असर तेरा पड़ेगा धीरे धीरे। धीमा है जहर चढ़ेगा धीरे धीरे, असर तेरा पड़ेगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा सब बयां, एकदम से नहीं होगा सब बयां, ये इश्क है, ये इश्क है कहेगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा सब बयां, ये इश्क है कहेगा धीरे धीरे। रोकती हैं जमाने की बंदिशें, रोकती हैं जमाने की बंदिशें, पर्दा है डर का, पर्दा है डर का, खुलेगा धीरे धीरे। तूफान है भारी अंदर भी बाहर भी, तूफान है भारी अंदर भी बाहर भी, धुंध का ये मंजर छटेगा धीरे धीरे। शुक्रिया। तो बस अपनी बात ख़त्म दो लाइन बोल के करती हूँ कि यूं सिरा बात का अब छोड़ देते हैं, यूं सिरा बात का अब छोड़ देते हैं, फिर कहेंगे सफ़ा अभी मोड़ देते हैं। पन्ना। थैंक यू। शुक्रिया। बहुत खूब ईरा।